सुबह आशीष भैया बनो। पिछले वीडियो में अपन ने पार्ट दो बचपन पढ़ाया था, उसका शेष भाग पेज नंबर 8 से 9 आज पढ़ाएंगे। आपकी बुक आप भी खोल लें, जिसके पास पुस्तक है वो खोल लें और देखें, और मैं पढ़ रहा हूँ उसको, आप भी उंगली रखते हुए पढ़ाई करें। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे ननिहाल के घोड़े, खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जापू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यानी इस जो पाठ की लेखिका है कृष्णा शोभती, वो अपने बचपन के बारे में बता रही है, और बचपन के बारे में बता रही है तो वो कह रही है कि जो घोड़े हैं वो घोड़, उन घोड़ों पर बचपन में वो घोड़ों को देख देख करके हंसती थी। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट, और उसके जो ननिहाल में वो जब जाती थी वहाँ घोड़ों को देखती थी, वहाँ खूब हष्ट पुष्ट ताज़ा मोटे ताज़ा घोड़े दिखाई देते थे, उन पर वो हंसती थी, मुस्कुराती थी। खूबसूरत उनकी बात फिर कभी, खूबसूरत उनके बारे में बातचीत करती थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जापू का पहाड़ था जिसका नाम था जापू का पहाड़, वहाँ पे ऊंचा चर्च यानी मंदिर बना हुआ था, और मंदिर पर जो घंटियाँ बजती थी उनकी आवाज़ दूर दूर तक जाती थी। इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, इससे भगवान यीशु प्रसन्न होकर के कुछ कहना चाह रहे थे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सामने आकाश में सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो अपने बचपन की बातें शेयर कर रही है, बता रही है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगी। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई दिखाई देती थी, और ट्रेन के जो स्टेशन पर जो सिग्नल रहते हैं, जो गाड़ी चलने का संदेश देते हैं, रुकने का संदेश देते हैं, वो लगे हुए थे, तो वो लाल कलर के थे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब, इसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। यानी जहाँ पे उन्होंने सबसे पहला अपना चश्मा बनवाया, वो चश्मा वाली वो दुकान थी, और उस दुकान के आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। पहली बार उसने जब चश्मा लगाया तो वो बहुत अटपटा लगा, सुहाया नहीं उसके। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते ही और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। यानी इधर उधर देख करके चश्मे से देखा कि आंखों में कुछ दर्द सा हो रहा है। इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। अरे, आप इस उम्र में ऐनक लग गई, आपके दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अरे, कुछ देर लगाए रखो इसको, उतर जाएगी। पहली बार लगाए आप, इसलिए आपको सहन नहीं हो रहा है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर साहब ने कहा था थोड़े दिन लगाओ, उसके बाद में आपका चश्मा उतर जाएगा, आपके नंबर सेट हो जाएंगे, आपकी आंखों की ज्योति है वो जगह की जगह रहेगी, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ।
जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। यानी जो छोटा भाई था चाचा का लड़का, वो उसको छेड़ता है और उसकी मजाक करता है कि देखो देखो चश्मा लगा रही है, खिल्ली उड़ाता है, उसकी मजाक उड़ाता है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यानी आँख पर चश्मा लगाया ताकि दूर की चीज भी उसको दिखाई दे। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, उसकी सूरत उसको कहा, वो उसका जो भाई था चचेरा भाई वो उसको लंगूर की सूरत कह के पुकार रहा था। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, वो बार बार कह रहा था तो उस पर गुस्सा आ रहा था, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब वो घर पे आए तो चाय पीकर के चले गए, तो फिर बाद में वो शीशे के सामने खड़ी होकर के देखती है तो जो मेरे चेहरे पे जो चश्मा लगा हुआ है वो मुझे ठीक तो लग रहा है या फिर वो लंगूर की तरह कह के जा रहा है वो बात ठीक है। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। बार बार मैंने को उतारती और पहनती, देखती रही देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। जो छोटे भाई का जो टोपा था वो मेरे सिर पर रखा मैंने, कुछ अजीब लगा, अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, कुछ अच्छा भी लगा और बाकी चेहरे पे वो जम भी नहीं रहा था तो इसलिए मजाक भी कर रहे थे उस पर, उस टोपे को देख करके लोग। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब पहले तो चश्मा लगा नहीं था, तो चश्मा नहीं लगाता तो चेहरा बहुत सुंदर लगता था, लेकिन फिर चश्मे के साथ चेहरा सेट हो गया, अब चश्मे से ठीक लगने लगा। अब चश्मा जब उतार दिया तो फिर चेहरा चश्मे के बिना सुना सुना लगने लगा, यानी अच्छा नहीं लगने लगा। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। उसको वही बात आ गई कि वो अपने मजाक उड़ाते थे तो वो चश्मा काली फ्रेम का था और लंगूर की सूरत कह के पुकारता था। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर लिए, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब पहले तो वो दुपट्टा लगाती थी, फिर अपने सिर के ऊपर टोपी पहनने लग गई। तो इस प्रकार से ये पाठ अपना बचपन, इसमें लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही थी कि बचपन किस प्रकार का था, आज और पहले का पुरातन समय का जो बचपन है वो अलग था, आज जो बचपन है वो आज अलग प्रकार का है। इसलिए उसने अपने बचपन की पूरी बात आपको बताई। अब अपन अगले वीडियो में जब भी बनाऊंगा सोमवार को प्रश्नोत्तर कराएंगे, प्रश्नोत्तर को आप पढ़े और ये जो है इस पाठ को दोबारा पुनः पढ़े। धन्यवाद।